फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई जोन से बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है। फाइनली जो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेनिंग जो है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल के अंदर 17/5/2023 से स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर मुंबई, भुसावल, सोलापुर, नागपुर, जबलपुर, पुणे और भोपाल डिवीजन के कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल-पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते हैं अपडेट के तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो नोटिस है वो 19/4/2023 को जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल की तरफ से जारी की गई थी, जिसके अंदर बताया गया है कि जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले कैंडिडेट है एनटीपीसी के, उनके ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की जा रही है और कौन कौन से डिवीजन से कितने कैंडिडेट को बुलाया जाना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोर्स संख्या है SC UC 005, जिसकी ट्रेनिंग जो 17/5/2023 से 26/7/2023 तक चलने वाली है, जिसमें बॉम्बे डिवीजन से 30 कैंडिडेट, भुसावल से 30 कैंडिडेट, पुणे से 30, नागपुर से 30, सोलापुर से 30, जबलपुर से 30 और भोपाल से 30 कैंडिडेट को बुलाया जाना है। यानी पहली बैच के अंदर 210 कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है जो कोर्स नंबर है IC UC 0012, जिसकी ट्रेनिंग 19/6/2023 से चालू होगी और कंप्लीट होगी 29/8/2023 को, जिसके अंदर बॉम्बे से 30 कैंडिडेट, भुसावल से 30, पुणे से 30, नागपुर से 30, सोलापुर से 30, जबलपुर से 30 और भोपाल से 30 कैंडिडेट, टोटल 210 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाना है ट्रेनिंग के लिए, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर भी बताए और 19/4/2023 को ये नोटिस आई है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट एनटीपीसी कैंडिडेट के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।